ये लीजिए आपकी बहन का सच। ये सब क्या है अभाजी? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तुम अपनी बहन को मेरी पत्नी होने का हक दिलाओगे बाय हुक और बाय क्रुक। गोयल, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का प्यार दूं? तुम्हारी बच्ची को एक बाप का नाम दूं बाय हुक और बाय क्रुक? तुम्हें लगता है ये करने से मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? रिश्तों में हक प्यार और विश्वास से जीता जाता है, छल और झूठ से नहीं। और अब तक आपने जो कुछ भी किया उससे अपने गरिमा की सारी हदें तोड़ दी। राज, अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। आपकी बहन झूठ बोल रही है, बंद कीजिए ये लड़ाई। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। कर, तुमसे मैंने इतना प्यार किया, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। और आज इतना कुछ होने के बावजूद तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते। कोयल, तो ठीक है, मत अपनाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भैया के और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। भैया, आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है ना, लेकिन अब बस आपको और सहन नहीं करना पड़ेगा। तुम सुन रहे हो, तुम मेरी बच्ची को अपना नाम नहीं देना चाहती, तो ठीक है, मत दो। अपनी बच्ची को जिल्लत की जिंदगी देने से तो अच्छा है मैं उसे खत्म कर देती हूँ। करण, विमल बस जल्दी से निकल ही रहे। कैसी कंडीशन? ईसीजी की रिपोर्ट के अनुसार आपके फादर की जल्दी से जल्दी एंजियोप्लास्टी करनी होगी। कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी रिस्क ना लें और बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से ऑपरेशन करवाएं। ऑफ कोर्स, मैं एक स्पेशलिस्ट को जानता हूं, बट इन दिनों वो अब्रॉड में है किसी अर्लियर कमिटमेंट की वजह से। किसी और को जानते हैं आप? एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें मुंबई ले जा सकते हैं, आप उनके बेसिक टेस्ट यहाँ करवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आज ही उन्हें आप एडमिट कर दीजिए। और हाँ, उनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनको टेंशन। एक बात और, अब तक की उनकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आप निकाल के रखिएगा, ऑपरेशन से पहले उनकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, एक्चुअली हम में से किसी को पता नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगता है और लगभग कितने पैसे लगेंगे। इनिशियली लगभग आप 5 लाख तो मानकर चलिएगा। डेट फिक्स करने की कोशिश करता हूँ ऑपरेशन की,
आप बाकी इंतजाम कर लीजिए। ओके थैंक यू। एक दोस्त है अजय मेहरा, पुराना क्लाइंट है एक्चुअली। जब नया नया बिजनेस शुरू किया था तो मैंने उसका प्रॉपर्टी केस लड़ा था और पैसे भी नहीं लिए। मैं उससे बात करता हूँ, आई एम श्योर वो मदद करेगा। फिलहाल छोटे मोटे खर्चों के लिए मेरे पास कुछ कैश है, वो काम आ जाएगा। अरे आभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी वो पापा की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स ढूंढ रहे हैं इतनी सारी जगह। आभा, पापा को होश आ गया है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे। अच्छा, हम अभी उन्हें मिलकर आते हैं। आप ढूंढिए ना जरा पापा की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स। मैंने सुना है कि आपने अपनी किताब 5,00,000 में बेच दी। वो किताब छपेगी जरूर, लेकिन किसी और के नाम से। क्यों पिताजी, क्यों किया आपने ऐसा? वो इसलिए लता बेटा कि उसूलों से पेट नहीं भरता। संस्कारों से समाज में इज्जत नहीं मिलती और सिर्फ सम्मान से बेटी की शादी भी नहीं हो सकती। ये तो सब गए जमाने की बातें हैं। आजकल तो घर चलाने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। इसलिए ठाकुर साहब ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सही लिया है। ये लीजिए आपकी चाय, 2 चम्मच शक्कर डालिए इसमें। और वैसे भी ये किताब घर में पड़ी पड़ी क्या कर रही थी? दीमक ही तो चाट रही थी ना। एकदम सही किया है ठाकुर साहब ने। हाँ नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं आप लोगों को ये बताने ही आ रही थी, मुझे नौकरी मिल गई है। वो मेरी एक सहेली को अचानक नौकरी छोड़नी पड़ी तो मुझे मिल गई। माँ, अकाउंटेंट की पोस्ट है, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। और फिर भगवान ने चाहा तो हमारी तंगी भी खत्म हो जाएगी ना। लता बेटा, हमने तुमसे पहले भी कहा है, हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी कमाई से इस घर का खर्चा चले ये ठीक नहीं है बेटा। हम सबको मिलके सोचना है, हमारी जरूरतें भी बहुत हैं। लेकिन आपकी किताब। रहने दो बेटा, हम जानते हैं तुम्हें इस बात से बहुत दुख हो रहा है। तुम पापा की हालत जानते हो, मैंने मना किया था तुम्हें। अंकल जी, ये कोयल के भविष्य का सवाल है, ये करण के भविष्य का सवाल है। पापा, मैं नहीं चाहता था कि आपको ये बात इस तरह पता चले।
जिस बात का कोई फ्यूचर नहीं, मैं उसे कोई अहमियत नहीं देना चाहता। पापा आप जानते हैं मैं आपसे, माँ से, आभा से कितना प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। करण, अंकल जी का भी यही कहना है कि मैं और कोयल गलत नहीं है। कोयल के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज, मैं राज की बात से सहमत हूँ बेटे। मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, सच में। रियली थैंक यू। यार करण, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या अंकल मेरे कुछ भी नहीं लगते? तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने मेरी जमीन का केस लड़ा था, जिसकी बदौलत मैं आज ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सका हूँ। अब तुम एक काम करो, ये चेक लेके बैंक जाओ और वहां से कैश कराओ, और कोई भी मदद की जरूरत हो प्लीज तुम मुझसे कहना। थैंक यू। हेलो, कौन? ओके ओके, देखिए ये चेक कैश नहीं हो सकता, इस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं। ये कैसे हो सकता है सर? मुझे अजय जी ने अभी चेक दिया, आधे घंटे पहले। देखिए कुछ ही देर पहले इस अकाउंट का सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं एक मिनट अजय मेहरा से बात कर लेता हूँ। हेलो अजय। हाँ, वो मैं बैंक आया था चेक कैश करवाने, वो कह रहे कि अकाउंट में पैसे नहीं है। यार करण, आई एम वेरी वेरी सॉरी। वो क्या हुआ, मेरे बिजनेस पार्टनर को अर्जेंट नीड आई पैसों की, तो उन्होंने सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब वो मेरे 60% शेयर होल्डर हैं, तो मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। प्लीज एडजस्ट यार, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ओके। आज तक मैं तुम्हारे सामने बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ, उसे वैसे ही रहने दो, वरना बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। और कोयल जो कह रही है उसे करो, वरना कल सुबह तक तुम्हारे परिवार वालों को, इस शहर को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इतना गिर चुके हो तुम लोग, इतना गिर चुके हो कि यहां मैं अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहा हूं और तुम्हें अपनी घटिया बातों में लगे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा करण। अभी तुम सिर्फ वही करो जो कोयल कह रही। अच्छा, क्या कह रही है कोयल? क्या चाहती हैं आप? हमारी शादी में तुमने मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया था ना करण? बाबा का ये मंगलसूत्र इसके गले से उतार मुझे पहनाना होगा। ये मुमकिन नहीं है, कभी नहीं होगा। हेलो हेलो आबा, आबा पैसों का इंतजाम हो गया क्या? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पापा का ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। सोच क्या रही हो आप? पापा की जिंदगी नहीं बचाओगी? तुमसे मैंने कहा ये बकवास बंद करो, जो तुम लोग चाहते हो वो कभी नहीं होगा। हमारा सुहाग आप हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं हमें किसी गहने की कोई जरूरत नहीं।
तो आभा ने खुद ही अपना मंगलसूत्र उतार कर तुम्हें दे दिया है, आओ और मुझे पहना दो। रुक जाओ करण, शर्म नहीं आती तुम्हें एक शादीशुदा इंसान से रिश्ता? ये क्या अनर्थ करवाने जा रहे थे आप हमारे दामाद से? पिताजी, अनर्थ नहीं ठाकुर साहब, न्याय हो रहा है। आपके दामाद जी का असली चेहरा आपने देखा नहीं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। इन बूढ़ी आंखों की रोशनी भले ही कम हो गई होगी, लेकिन अनुभव से मिली लोगों को पहचानने की शक्ति अभी भी कायम है मिस्टर राज सिंघानिया। करण के चरित्र से हम बखूबी वाकिफ हैं। तुम आभा बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम दोनों के साथ हैं करण। करण बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। पिताजी, पर आपको ये सब पता कैसे चला? बेटा, हॉस्पिटल में हमने तुम्हें परेशान देखा तो हम समझ गए कि कोई बात तो है। फिर हमें चिंतित देखकर शैली बिटिया ने हमें हमारे आग्रह करने पर हमें सब सच सच बता दिया। ठाकुर साहब ने अपनी किताब बेच दी इस शर्त पे कि उनका नाम लेखक के रूप में प्रकाशित नहीं होगा। इसकी क्या जरूरत थी पिताजी, हम कोई इंतजाम कर लेते। बेटा, हमारे बच्चों की खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ हो सकता है क्या? हमें तो इस बात की खुशी है कि हम तुम लोगों की मदद कर पाए। तुम हमारे बेटे के समान हो, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं यूं रिश्तों का कारोबार करना ठीक नहीं होता है। और हमारी बेटी को स्वर्ण भवन की जरूरत नहीं है, उसके पति के दिल में उसके लिए जगह है, यही उसके लिए काफी है। हमने तो ना जाने क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो यहां किसी और ही इरादे से आए हो। आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे ठाकुर साहब। आपके दामाद ने मेरे बहन के साथ रिश्ता रखा। असंभव है ये। हम ये जानते हैं कि करण कभी आभा से, हमसे, अपने परिवार से झूठ नहीं बोल सकता। हमारी बहन भी हमसे झूठ नहीं बोलती ठाकुर साहब। जो होगा देखा जाएगा। साम दाम दंड भी मैं मेरे बहन के सारे हक उसे दिला के रहूंगा।
कोयल। करण, करण बेटा, हम जानते हैं कि ये सब तुम अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हो, बस वकील साहब का ऑपरेशन ठीक से हो जाए, हम सब इस मुसीबत से भी उबर जाएं। पिताजी, बस इस बात का किसी को पता ना चले। किसी को भी पता नहीं चलेगा बेटा, किसी को भी नहीं। करण, तुम्हें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। वकील साहब को तुम्हारी जरूरत है। कोयल की ये चाल तो फेल हो गई, अब वो क्या करेगी? मैं तो उन लोगों के सामने नहीं आने वाली, आप ही गालियां खाइए उनसे। खैर, जो हुआ सो हुआ, ये आपने बहुत अच्छा किया ठाकुर साहब। क्या अच्छा हुआ मामी जी, कुछ बात है? एक मिनट, कुछ नहीं, मैं बस ठाकुर साहब से कह रही थी कि ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो अपने किताब के 5 लाख रुपए थे ना, वो तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए दे दिए। थैंक यू सो मच पिताजी। आपने मेरे पापा की जान बचा ली, वरना उनका ऑपरेशन कैसे हो पाता। थैंक यू सो मच। ना बेटा, हमें थैंक यू मत कहो। वो पैसा किस काम का जो अपनों के काम ना आए। सब्जी खाओगे? मैडम, ये खाना कहाँ रखूँ? बाहर फेंक दो। को सबसे अलग करने की सोच रही हूँ। वो कहना जरा सा मुश्किल है, क्योंकि आभा इस घर के हर एक इंसान के दिल में बसती है। तन्वी, तुम भिंडी खा रही हो, लेकिन तुम्हें तो ये सब्जी पसंद नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आई हूँ, आओ। मम्मा, आप आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे ये खाना है। तन्वी, तुम बहुत बदतमीज और जिद्दी हो गई हो। एक बार खाओ, समझ में नहीं आता। इधर आ। नो मम्मा, मुझे ये खाना है। मैंने कहा इधर आ। अरे तन्वी, मम्मा,
कंडीशन कैसी है? टेस्ट वगैरह सब हुए हैं क्या? क्या टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। और डॉक्टर ने कहा है कि जो भी कह सकते हैं रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं। मैं देखता हूँ। पर ये इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? हर निशानी इस घर से और करण की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। चीजों को जलाकर तुम आभा का वजूद इस घर से मिटाना चाहती हो? आभा इन चीजों में नहीं है कोयल, वो इस घर के लोगों के दिलों में बसती है। इस घर के हर एक इंसान की मुस्कुराहट है आभा, आंसू में है, घर के जज्बातों में बसी है। ये घटिया हरकतें करके चीजें जलाकर तुम आभा का वजूद इस घर से मिटा रहे हो। तेरी और आभा के बीच की बात है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।